न्यूज आई से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। पेशावर किस्सा खानी बाजार के कूचा रिसालदार मस्जिद में धमाके से अब तक 30 अफराद शहीद होने की तस्दीक हो चुकी है। पुलिस ने मस्जिद में होने वाले धमाके के खुदकश होने की तस्दीक की है। जाए वकूआ पर मौजूद आईनी शाहिदीन ने निजी टीवी को बताया कि काले लिबास में मलबूस खुदकश हमलावर ने पहले सिक्योरिटी एहलकारों पर 5 से 6 फायर किए और फिर तेजी से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और खुद को उड़ा दिया। आईनी शाहिदीन का यह भी कहना है कि खुदकश हमलावर ने खुद को मिंबर के सामने उड़ाया और धमाके के बाद मस्जिद के हॉल में हर तरफ इंसानी अजा फैल गए। आईनी शाहिदीन का कहना है कि मस्जिद के हॉल में 12 लाशें देखी और लातादाद जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। धमाके के वक्त पूरा हॉल भरा हुआ था और ये वाकया तकरीबन 12:55 पर पेश आया और इस वक्त मस्जिद में पूरी तरह से लोग भरे हुए थे। उन्होंने मजीद बताया कि इस इलाके में 4 रोज पहले भी एक घर पर दस्ती बम का हमला हुआ था जिस पर हमने सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा था लेकिन सिक्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं। जुमा के रोज भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आईनी शाहिदीन का यह भी बताना है कि रेस्क्यू टीमें देर से पहुंची और जख्मियों को मोटरसाइकिलों पर अस्पताल पहुंचाया गया। तंग कलियों की वजह से इमदादी कार्रवाईयों में मुश्किलात का सामना है।